नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। लालगंज दीवानी न्यायालय परिसर में उत्सव भरे माहौल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने दो न्यायिक कक्षों की आधारशिला रखी। वहीं मुख्य न्यायाधिपति राजेश बिंदल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडे के साथ इन बनने वाले न्यायिक कक्षों की भी आधारशिला रखी। वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के द्वारा आधारशिला रखते ही कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं के भी चेहरे खिल उठे। अधिवक्ताओं ने करतल ध्वनि से सिविल न्यायालय की उपलब्धियों को लेकर मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति आभार जताने की मुद्रा में नजर आए। वहीं समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल तथा एसपी सतपाल अंतिल ने जिला प्रशासन की ओर से मुख्य न्यायमूर्ति को बुके भेंट कर स्वागत किया। मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मान में पुलिस सशस्त्र बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के तहत विशेष सलामी भी प्रदान किया। स्थानीय दीवानी न्यायालय के सिविल जज ललिता यादव ने कार्यक्रम का संयोजन किया। आधारशिला को यादगार बनाने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी व जिला जज संजय शंकर पांडे ने परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्य न्यायमूर्ति ने प्रशासनिक जज के साथ सिविल कोर्ट की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। वहीं संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम मोहन सिंह तथा रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने मुख्य न्यायमूर्ति व प्रशासनिक जज को अधिवक्ताओं की ओर से बुके भेंट कर सम्मानित किया। नगर पंचायत की ओर से चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने मुख्य न्यायमूर्ति व प्रशासनिक जज को बुके तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर नगर के लोगों व सभासदों की ओर से स्वागत किया। वहीं मुख्य न्यायमूर्ति व प्रशासनिक जज ने सभागार में संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम मोहन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश नारायण तिवारी तथा उपाध्यक्ष संतोष पांडे व महामंत्री प्रवीण यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल से भी औपचारिक मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायमूर्ति को सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के चैम्बर तथा पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किए जाने के साथ चार सूत्रीय मांग पत्र पर ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्य न्यायमूर्ति ने सिविल न्यायालय के अधिवक्ताओं के उत्तरदायित्वों की प्रशंसा करते हुए वादकारी हित से सार्थक भूमि के लिए प्रेरित भी किया। प्रतापगढ़ से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए संवाददाता राजेंद्र कुमार वर्मा की रिपोर्ट।